हेलो दोस्तों, मैं अनिल सुहा आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास। आज इनकी हम गांव के अंदर इनको चारा डालते हैं उसी के बारे में वीडियो होने वाली है। तो चलो चलते हैं। तो इधर हमारा हरा चारा रखा हुआ है, जिसमें से मम्मी जी इनको हरा चारा यहाँ से ले जाकर उनको अपने अपने जो आगे उनके बने हुए हैं उनके अंदर डाल रहे हैं। ये देखिए जा रहे हैं, और इधर ये चारा बहुत सारा हमारा, ये दो टाइम का है, सुबह और शाम का। और इधर हमारा सूखा चारा और इनके पशुओं के लिए फीड रखी हुई है। और अब चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं कैसे डालते हैं चारा। कीटू कैसे देख रही है हमको। इन दोनों को हरा चारा डाल दिया है, ये जल्दी जल्दी से हरा चारा खाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम इनको सूखे चारे में मिक्स कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से इनकी भूख मिट जाए। नहीं तो ये हरा चारा अकेला खा जाएंगे, सूखा चारा खाएंगे नहीं, इसलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है। ये बहुत ही नटखट है, इसलिए ये जल्दी जल्दी खाने की कोशिश करें। ये देखिए इधर इस गबरू के लिए कुछ हरा चारा मिल गया, इसलिए ये इधर खाने की कोशिश कर रहा है। और ये हमारी थाल भैंस को हमने हरा चारा पहले से ही डाल दिया है, जो खा रही है। ये दोनों अच्छी तरह से अब खाएंगे, और थोड़ी सी देर में इनमें इतना कंपटीशन हो जाएगा कि पहले मैं खाऊं। अब इसके लिए हमारी गौ माता के लिए भी हरा चारा आने वाला है और आ चुका है। अब इनके लिए अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाएगा ताकि ये भी अच्छी तरह से खा जाए। इसको हम थाल भैंस को और इस गौ को हम फीडिंग भी देते हैं ताकि इनका दूध भी अच्छा निकले। हरे चारे के साथ फीड दिया जाता है। हम फीड तो इनको सीधा ही इनके आगे रख देते हैं और खा लेते हैं, जैसे गेहूं और हम और अन्य मक्की वगैरह के आटा भी देते हैं इनको। और इधर हम किट्टू को अब गौ के आगे से ही चारा इसको कुछ डाल दिया है, इस ये अधिक नहीं खाएगी। गांव में चिंचड़ी और जूं की समस्या अधिक होती है, इसलिए ये देख रहे हो इनके दर्द भी होने लगता है कभी कभार। कुछ बड़ी फुंसियाँ जो आप कह सकते हो जाता है। और इसके हमारे मुलायम भाग होते हैं, जैसे आँख की पलकें, कान की कोनों और खुरों के अंदर अधिक चिंचड़ी लगती है। छोटे पशुओं पर इनका प्रभाव इतना हो जाता है कि कभी कभी तो इनका खून इतना चूस लेती है कि ये दुबले पतले हो जाते हैं। इसलिए हम इसको देख रहे हैं ताकि कुछ इसकी समस्या ना हो। इसके कुछ तो है, हम इनको कीटनाशक के द्वारा इनको मार देते हैं, जो चिंचड़ी मारने की दवा आती है उसके द्वारा। उधर ये देखिए अब इन दोनों में कंपटीशन लगभग शुरू हो चुका है। ये जल्दी जल्दी से खाना खाने की कोशिश करें। ये देखिए ये इधर अब मेरी तरफ देखेगा, इसकी आंख पे ऊपर आप देख रहे हैं, जो इसकी भौहें उसके ऊपर आप देखिए कुछ एक बड़ी सी फुंसी हो चुकी है। ये देखो दोनों में कंपटीशन शुरू होने ही वाला है, हो चुका है। ये कह रहा है कि बहन मुझे भी खाने दे, अकेली अकेली खा रही है। इनमें ये कंपटीशन दिन भर हर्ष में चलता रहता है जब तक इनके आगे चारा रहता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ।